हे एवरीवन, वेलकम टू बेली जेटीज। लगभग 4.5 साल से YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हुए मैं नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड सभी नीट एस्पिरेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करवा रही हूँ। इन सालों में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, बच्चों के विथ टाइम नीट का कंपटीशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के अंदर इस एग्जाम को लेकर सीरियसनेस भी बढ़ रही है, एग्जामिनेशन फेयर भी बढ़ रहा है। एग्जामिनेशन को लेकर डर बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, सीरियसनेस बढ़ रही है, लेकिन एक चीज़ है जो कि लगातार घटती चली जा रही है और वो है आप सभी नीट एस्पिरेंट्स की इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आज YouTube पर एक वीडियो अपलोड हो जाए कि 4 महीने में या फिर 3 महीने में नीट क्रैक हो सकता है, बच्चा मोटिवेट हो जाता है, फुल एनर्जी के साथ, फुल उम्मीद के साथ नीट की तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन वही 3-4 दिन बाद वो मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है और गलती से किसी शख्स ने कह दिया कि 3-4 महीने में नीट क्रैक नहीं हो सकता है, हम बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो पिछले 1-2 साल से लगे हुए हैं, तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो बच्चा वहीं पर ही हार मान जाता है। उसे लगता है शायद इस साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, मुमकिन नहीं है मेरे लिए 3-4 महीने में नीट क्रैक करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तुम्हें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है मिरेकल्स क्रिएट करने की, कि तुम अपने हार्डवर्क के बेसिस पर अपने मेडिकल कॉलेज जाने का सपना इसी साल पूरा कर सकते हो। देख मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने एक हार्श रियलिटी रखूंगी। अगर आप लोग इस वक्त 0 लेवल प्रिपरेशन पर हैं और आप सोच रहे हैं कि नीट के सिलेबस से वो 97 चैप्टर्स कवर करना मेरे लिए पॉसिबल है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मुश्किल से 5-10% चांसेस हैं कि कोई बच्चा अभी से शुरुआत करते हुए नीट का वो पूरा सिलेबस कवर कर जाए, क्योंकि हमें सिर्फ वो सिलेबस को रीड नहीं करना है, पढ़ना है, उसका रिविजन करना है, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी की हर एक लाइन मुझे आनी चाहिए, PYQs प्रैक्टिस होने चाहिए, जितने हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने चाहिए। तो इस टाइम पर समझदारी इसमें जाती है कि आप लोग उन 97 चैप्टर्स कवर करने के पीछे ना भागे, अपने लिए एक सेफेस्ट स्कोर जैसे कि 620, 630, 640 टारगेट कर ले, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो आप लोगों को इस स्कोर पर भी मिल जाएगा। कौन कह रहा है तुम 680, 690, 700 के पीछे भागो। और एक और सच्ची बात है कि इस टाइम पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि 0 लेवल प्रिपरेशन पे है। हर एक वो बच्चा जो कि इस साल नीट 2023 देने वाला है, उसने 11 तो पास कर ली होगी, जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो 12th पास आउट है, जो फ्रेशर्स है जब तक नीट का एग्जाम होगा वो लोग भी 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे चुके होंगे। यानी कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि नीट के सिलेबस में दिए हुए किसी भी चैप्टर को पहली बार देख रहा होगा, कभी ना कभी उस चैप्टर पर उस बच्चे की नजर जरूर पड़ी होगी। तो आप में से कोई भी बच्चा 0 लेवल प्रिपरेशन पर तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अभी भी उम्मीद है कि तुम्हारा नीट क्रैक हो सकता है। हाँ, बस ये सच है कि 680 और 700 प्लस स्कोर करना शायद इतना पॉसिबल नहीं, लेकिन 620, 630, 640 की उम्मीद तो मैं रख सकता हूं और मेहनत तो कर सकता हूं। देखो, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन अगर लेकर भी चलने के नहीं हो पाया इस साल, इतना स्कोर भी नहीं आ पाया, तो जितना कुछ भी तुम ये इन 3 महीनों में पढ़ोगे वो पढ़ावा तुम्हारी नीट 2024 की प्रिपरेशन में भी काम आएगा। लेकिन क्यों मैं अभी वर्स्ट सिचुएशन के बारे में सोचूं जब मेरे पास 3 महीने हैं और जब मुझे पता है कि इन 3 महीनों में भी चमत्कार में क्रिएट कर सकता हूं। एक ओवरव्यू देती हूं कि किन किन पॉइंट्स पर आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं। बायोलॉजी हमारे लिए रामबाण रहेगी जो कि मेडिकल कॉलेज जाने में हमारी सबसे ज्यादा मदद करेगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरा पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं भागेंगे, एक मिनिमम टारगेट सेट करेंगे, क्या वो टारगेट होने वाला है उसके बारे में बताऊंगी। PYQs तो प्रैक्टिस करने हैं, चाहे May 6th, 2023 तक तुम्हारा नीट का कितना भी सिलेबस कवर क्यों ना हो रखा हो। अनअकैडमी ने कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को टेस्ट सीरीज की फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए हैं। नीट PYQ मेस्ट्रो टेस्ट सीरीज नाम से अनअकैडमी ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है बच्चों, जिसके अंडर हर वेंसडे और संडे शाम के 4 बजे आप लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इस वेंसडे 11 जनवरी को शाम को 4 बजे नीट 2016 का पेपर आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद अगले संडे को नीट 2017 का पेपर होगा, उसी तरीके से अगले वेंसडे को नीट 2018 का पेपर आप लोग दे सकते हैं। तो अनअकैडमी की नीट PYQs मेस्ट्रो टेस्ट सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं। बायोलॉजी ATEs कोड यूज करते हुए इस फ्री टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन करिएगा। अब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात बताती हूं। आपके नीट का 50% सिलेबस बायोलॉजी कंसिस्ट करता है बच्चे, यानी कि बायोलॉजी रामबाण है। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोगों की रैंक बढ़ाता है और बायोलॉजी आपका सबसे पहली बुनियाद है नीट क्रैक कराने के पीछे। आप लोगों के अकेले 90 क्वेश्चंस तो यहीं से होने वाले हैं ना, पेपर का आधा सेक्शन तो यहीं से आने वाला है ना, और इसको कमांड में करने के लिए NCERT काफी है। NCERT से बायोलॉजी के टॉपिक्स को पढ़ो, NCERT से समझ नहीं आता है YouTube पर फ्री वीडियो लेक्चर्स देखो। जैसे ही लेक्चर में जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट नोट्स लगे हैं उन नोट्स को NCERT की बुक में ही एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करते हुए लिखते चले जाओ, NCERT को ही नोट्स कॉपी बनाते चले जाओ, जैसे ही टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट हो जाए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले जाओ। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी ATEs पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी के हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट से रिलेटेड 4-5 PDF फाइल प्रोवाइड कराई हुई है, फुल सिलेबस मॉक की भी PDF प्रोवाइड कराई हुई है,
40,000 प्लस एमसीक्यूज तुम्हें अकेले मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से जुड़े रहो, बायोलॉजी के जितने क्वेश्चंस हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस कराऊंगी। अनअकैडमी पर फ्री लाइव सेशंस भी मैं रात को 9 बजे कंडक्ट करवाती हूँ। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेरी आज रात की 9 बजे की क्विज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एकदम फ्री क्विज है, ज्वाइन करिएगा। कल बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के टॉपिक वाइज क्विज करेंगे, उसमें मुझे ज्वाइन करेगा, बायोलॉजी एटीज कोड यूज करते हुए ज्वाइन करेगा। इन दोनों क्लासेस का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। समझ ना आए तो यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स की मदद लो, जो भी लेक्चर में समझ आए उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड नोट्स बनाओ और जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बायो में एक भी चैप्टर एक भी टॉपिक स्किप मत करना, क्योंकि बायोलॉजी की शुरुआत अगर आप लोग मिड फेब्रवरी या मार्च से भी करते हो ना, तो भी बायोलॉजी के वो 38 चैप्टर तुम्हारे इजिली कंप्लीट हो सकते हैं। रही फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात, कोई नहीं कह रहा कि केमिस्ट्री में वो 30 के 30 चैप्टर्स करते चले जाओ, एक मिनिमम टारगेट रखो। जैसे मैं कह रही हूँ केमिस्ट्री में तुम लोग 20 चैप्टर्स का टारगेट बना दो कि नीट होने से पहले मैं 20 चैप्टर्स को तो बहुत डिटेल में पढ़ लूंगा। वहीं फिजिक्स के मिनिमम 15 चैप्टर्स में बहुत अच्छे से कर लूंगा। बाकी चैप्टर्स का क्या करना है, बाकी चैप्टर्स भले ही तुम लोग डिटेल में ना पढ़ पाओ, लेकिन उन चैप्टर्स से रिलेटेड यूट्यूब पर वन शॉट वीडियोस देख लेना। उन चैप्टर्स के एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें कर लेना। एनसीईआरटी में उन चैप्टर्स की जो समरी दी हुई है उन्हें रीड कर लीजिएगा। PYQs उन चैप्टर से जरूर कर लीजिएगा। और लास्ट चीज, उन चैप्टर से रिलेटेड मॉक टेस्ट भी आप लोग देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं भागेंगे, एक मिनिमम टारगेट रखेंगे कि इतने चैप्टर्स मेरे पूरे हो जाने चाहिए और बचे हुए चैप्टर्स के मुझे ये चीजें करनी है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चे कि वो चैप्टर मैंने कंप्लीटली स्किप नहीं किया है, उन चैप्टर से भी मैं बहुत कुछ करके जा रहा हूँ। और यकीन मानो अगर तुम बचे हुए चैप्टर्स की ये सारी चीजें भी कर लो ना, तुम्हारी आधे से ज्यादा प्रिपरेशन उस पर्टिकुलर चैप्टर से हो चुकी होगी। तो बायोलॉजी में कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये मिनिमम टारगेट लेते हुए चलेंगे। और कौन कहता है तुम्हारा नीट अभी से पढ़कर क्रैक नहीं हो सकता, तुम पॉसिबल करके दिखाओगे ताकि आने वाले जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को एक एग्जांपल मिल जाए कि इन भैया इन दीदी ने किया था नीट क्रैक, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं उम्मीद नहीं हारूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।